हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज हम रिपोर्ट करते हैं अपने इस ब्यूटी फ्यूज़ क्रोटॉन को। देखिए इसका वेरिएशन मुझे बहुत सुंदर लगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, और इसके लीव्स का कलर देखिए, बर्गंडी कलर का कलर है ये, जो मेच्योर लीव्स हैं, और जो न्यू लीव्स हैं और ग्रीन है, पर इसमें भी येलो कलर का वेरिएशन दिखाई देता है। तो ये देखिए, ये जो प्लांट है ये बोरी के बैग में है, तो इसे रिपोर्ट करना पड़ेगा। और इस समय बारिश का मौसम है, मानसून बहुत अच्छे से है, तो इस समय जो भी नए प्लांट्स हैं उनको रिपोर्ट करने का बहुत अच्छा समय है। अगर आप भी नए प्लांट खरीदना चाहते हैं तो ये मौसम है सबसे अच्छा प्लांट्स को ग्रो करने का। तो चलिए इसको हम लोग रिपोर्ट कर लेते हैं। इसको रिपोर्ट करने के लिए देखिए, मेरे पास एक सीमेंट का पॉट है, इसमें पुराना सीजनल का, विंटर का सीजनल का प्लांट लगा था, तब से ये खाली था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से नए प्लांट्स नहीं मिल पा रहे थे। तो अभी क्या करेंगे हम, इसकी मिट्टी को हम लोग खाली कर लेंगे। इस तरीके से पूरी मिट्टी को हम लोग गमले की मिट्टी को निकाल लेंगे। गमले की मिट्टी को निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो मिट्टी है इसमें पानी और बारिश के पानी की वजह से इसकी मिट्टी जो होती है वो दब जाती है। काफ़ी पुराने हो गया, लगभग इसको 6 मंथ से ज़्यादा हो गए, तो इसकी मिट्टी दब गई है। और दबने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर का एरेशन जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। तो क्या होता है कि या फिर होता है तो बहुत कम होता है। तो इसकी एक तो हम इसकी मिट्टी निकाल कर दोबारा इसमें खाद और बाकी भी जो भी है जैसे नीम खली वगैरह मिला कर लगाएंगे, तो ये पॉट जो है इसकी जो सॉयल है वो बहुत रिच हो जाएगी और हमारे क्रोटॉन के लिए बहुत अच्छी होगी। तो चलिए हम इसको खाली कर लेते हैं और आपसे मिलते हैं खाली करने के बाद। ये देखिए, इस गमले को मैंने खाली कर लिया है और इसके ड्रेनेज होल को मैंने पुराने गमले के टुकड़े से ढक दिया है। वैसे तो हमें इस मिट्टी को 2 से 3 दिन धूप दिखाना चाहिए था, इस समय मानसून की वजह से धूप अच्छे से नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैं इस मिट्टी को धूप नहीं दिखा पाऊँगी। पर इसलिए इसमें मैं नीम खली का यूज़ करूँगी ताकि अगर कोई फंगस वगैरह या फिर कोई कीड़े मकोड़े का हो तो वो हट जाए। अब ये देखिए, ये गमले से निकली हुई मिट्टी है और अब इसमें हम लोग मिलाएंगे वर्मी कंपोस्ट। ये देखिए वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे हम इसमें, और वर्मी कंपोस्ट के बाद हम लोग मिलाएंगे नीम की खली। ये देखिए नीम की खली मेरे पास टुकड़े फॉर्म में है, पर हो गया जब हम इसे पानी डालेंगे तो ये इस सॉइल के साथ मिक्स हो जाएगी। और नीम की खली का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, बस हम लोग एक मुट्ठी यूज़ करेंगे। बस मैं ये दो ही चीज़ इस क्रोटॉन को लगाने के लिए यूज़ करूँगी। ये देखिए, अब इस मिट्टी को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से बन गई हमारी सॉइल मिक्स। और चलिए अब इसको भर लेते हैं गमले में। क्रोटॉन बहुत ही अच्छा ऑर्नामेंटल प्लांट है और ये परमानेंट प्लांट है, इसलिए ये मुझे बहुत पसंद है। इसकी 3-4 वैरायटी मेरे पास है। तो चलिए मैं इस गमले को भर लेती हूँ। ये देखिए, मैंने गमले को इतना भर लिया है और ऊपर का हिस्सा मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि जो अभी हम लोग इसको अभी इस पैकेट से निकालेंगे तो इसमें भी कुछ मिट्टी होगी और इसे एडजस्ट करने के लिए हमें थोड़ी जगह चाहिए होगी। अगर हम गमले को ऊपर तक भर देंगे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तो इसको चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। इस समय मिट्टी गीली है और बहुत ज़्यादा सूखी नहीं है, तो ये आसानी से मेरे को लगता है कि निकल जाएगी। लेट्स ट्राई। पर ये प्लांट जो है ना, इसकी जड़ें नीचे काफ़ी हो जाती हैं और ये बोरी इसको बैग को ना अच्छे से पकड़ लेती हैं, तो इसलिए इसको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ती है अपने को निकालने के लिए। ये देखिए, मैं दिखाऊँगी आपको बोरी में कैसे, ये देखिए इसकी जड़ों ने इसको कैसे कितनी इससे पकड़ रखा है। ये देखिए इसकी जड़ें नीचे तक हैं। ये देखिए, ये कल बारिश हो रहा था यहाँ पर, तो ये प्लांट बारिश में ही रखा रह गया था। तो इसको मैं अब इसकी जड़ों को थोड़ा सा लूज़ कर लीजिए आप इस तरीके से। ध्यान रखिए कि जड़ें ना डिस्टर्ब होने पाए, बस इनकी जड़ों को हल्का सा लूज़ कर लीजिए आप। ये देखिए इस तरीके से, अगर आप बिगनर है तो आप ये प्रोसेस छोड़ भी सकते हैं, मतलब आप इसकी जड़ों को लूज़ करना छोड़ भी सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसे पानी में 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ऐसे, और फिर आप अगर जब हिलाएंगे ना तो इसकी जड़ें अपने आप ही वो मिट्टी हट जाएगी और इसकी जड़ें बाहर जाएंगी। अब इसको मैं इस मिट्टी में अच्छे से प्रेस करके बैठा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसको मिट्टी से कवर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम लोग इसको अच्छे से प्रेस करके दबा देंगे और ये प्लांट हमारा रिपोर्ट हो गया है। वैसे ये इंडोर प्लांट है, अगर ये आउटडोर प्लांट होता तो इसे मैं ऊपर तक पूरा मिट्टी भर देती ताकि इसमें पानी ना रुक पाता
और ये इंडोर है इसलिए इसमें बारिश के पानी की उतनी समस्या नहीं आएगी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोड़ रखा है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए कितना आसान है ना किसी भी प्लांट को रिपोर्ट करना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी गार्डनिंग में थोड़ा तो इंटरेस्ट लेंगे ही और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।